नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा हैप्पी लाइफ विथ बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो मटेरियल ला कर रखे हैं, जो कुछ मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ, वो आप मार्केट से ख़रीद के लाते हो। चाट मसाला अपने घर में ढेर सारी चीज़ों में ये उपयोग होता है। दही वड़ा हो गया, चाट हो गया, छोले हो गया, दाल हो गया, पुलाव हो गया, मैं क्या क्या नाम गिनवाऊँ आपको, हर चीज़ में चाट मसाले की आवश्यकता हमें पड़ती है और हम मार्केट से उसको ख़रीद कर लाते हैं। अब मार्केट का अपने ढंग का बनाया हुआ रहता है, लेकिन आप अगर घर में इसको बनाते हो तो कैसे बनाओगे, ये मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। साथ ही मेरा कहना यह है कि आप अगर घर में बनाते हो तो थोड़ी सी खट्टा ज़्यादा चाहिए तो थोड़ी ज़्यादा खट्टे कर सकते हो, या फिर थोड़ी मिर्चें ज़्यादा चाहिए तो कर सकते हो, लेकिन मार्केट से जो आती है वो तो एक ढंग की होती है, तो इसलिए घर में बनाया हुआ मुझे बहुत बेहतर लगता है और इसी की रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने वाला। दोस्तों, इसके लिए आप यहाँ देख रहे होंगे, ये गोटा धनिया है जो 50 ग्राम है। इसके साथ ही यहाँ अमचूर है जो 25 से 30 ग्राम, आप इसको थोड़ा बहुत अपने जितना खट्टा चाहते हो उसके अनुसार थोड़ा घटा बढ़ा भी सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों काला नमक ये देख रहे हो 125 ग्राम है, और यहाँ साधारण वाली नमक है जो 100 ग्राम है। दोस्तों, यहाँ आप जीरा देख रहे हैं, जीरा 50 ग्राम है, और धनिया गोटा धनिया ये भी 50 ग्राम है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा है या कम है, तो ये वजन का फर्क होता है, धनिया बहुत हल्का होता है। अब यहाँ आप आओ काले मिर्च में, ब्लैक पेपर में, तो इसको भी आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा कम बेसी कर सकते हैं, और ये ब्लैक पेपर जो मैंने डाली है ये 25 ग्राम है। साथ ही यहाँ पर हींग पड़े हुए हैं तो हींग भी डालनी है, बस मात्र आधी चम्मच काफ़ी रहेगी। ये 12-14 के करीब में मैंने मिर्च डाला है, तीखा थोड़ा ज़्यादा खाना है तो इसको भी एक दो बढ़ा सकते हो, या फिर ज़्यादा नहीं खाना है तो 12 मिर्च काफ़ी रहेगी। दोस्तों, इसमें कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है और सबसे पहले इसमें धनिया डाल देते हैं। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि इसको मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ, इसको आपको धीमी आंच पर हल्के से मॉइस्चर उड़ाने तक ही रखने हैं। और अब मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ, एकदम केवल मॉइस्चर इसमें से हटना है, इतना ही आपको इसको करना है। इसका बस मॉइस्चर ही, जो भी आप यहाँ डाल रहे हो इसका मॉइस्चर ही केवल हटाना है, बहुत ज़्यादा इसको भूनना नहीं है। अब इसमें डाल लेते हैं मिर्ची, एक दो मिनट के लिए इसको इस तरह से भूनना है, और अब गुलकी जो है उसको डाल दे रहे हैं। ये सब को डालकर आप इस तरह से मात्र 2 से 2.5 मिनट में ये आपका मॉइस्चर इसका उड़ जाएगा, बस इतना ही आपको करना है। दोस्तों, अब ये हो गया है, मात्र 2 मिनट मैंने इसको इस पर रखे हैं और ये तैयार हो गया है। अब गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। तो ये ठंडा हो गया है, अब किसी जार में इसको निकाल लेते हैं, जार में निकाल कर इसको पीस लेते हैं। दोस्तों, अब मैं जो साधारण नमक है उसको डाल रही हूँ, काला नमक, अमचूर पाउडर, ये रहा हींग। अब सबको इसमें डालने के बाद, दोस्तों इसको हींग डालने के बाद अब मैं इसको बंद कर देती हूँ और मिक्सी में महीन इसको पीस करके लाती हूँ। दोस्तों, ये पीस कर आ गई है, अब देखते हैं कि कैसा पीसा है ये। चलिए, अब इसको कोई छानने वाले से छान लेते हैं, इस तरह इसको छान लें। दोस्तों, ये अब मैंने छान कर रख ली है, थोड़े से मोटे पोर्शन हैं, इनको दोबारे में, दोस्तों बचे हुए को मैंने फिर से पीस ली है और फिर से इसको छन्नी से अच्छी तरह से मैं छान लेती हूँ। दोस्तों, अब थोड़े से बच गए हैं, इसको किसी मसाले में आप चाहे तो उपयोग कर सकते हैं, सब्जी वगैरह बनाने में। और इसको अब किसी एयर टाइट बर्तन में आपको पैक करके रख लेनी है, तो मैं रख लेती हूँ। और बस इसी तरह आप भी चाट मसाला घर में बनाएं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आदाब, जय श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।